भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह ने बलात्कार के मामले में अपनी टिप्पणी से विवाद छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया से भाजपा विधायक ने कहा, केवल अच्छे संस्कार ही बलात्कार को रोक सकते हैं। इस टिप्पणी पर भड़कते हुए कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को संस्कार सिखाने से पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं को संस्कार सीखने की जरूरत है। हाल ही में सुरेंद्र सिंह ने टिप्पणी की थी कि माता पिता को अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक विधायक होने के अलावा मैं एक शिक्षक भी हूं। ये घटनाएं केवल अच्छे मूल्यों से ही रुकेगी, कानून या बल द्वारा नहीं। जी हां, यदि सरकार की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है तो यह उनके बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करने की जिम्मेदारी परिवार की भी है। सरकार और अच्छे मूल्य मिलकर देश को बदल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सुरेंद्र सिंह ने हाथरस गैंगरेप के विरोध के बीच ये टिप्पणी की है। आपको बता दें कि हाथरस रेप मामले के बाद राजनीति और गहराती जा रही है, लेकिन इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के आने वाले बयान से लड़कियों के प्रति रखने वाली सोच भी सामने आ रही है। इसी टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए यशोमती ठाकुर ने कहा कि भाजपा को अपने पक्ष को पहले संस्कार सिखाना चाहिए। हम महिला को कैसे रहना है कैसे नहीं, यह उन्हें बताने की जरूरत नहीं। भाजपा लोकानी पहला अपने पक्ष संस्कार शिकवावे। यांचे कित्येक नेते कित्येक केसेस मध्ये सापडतात, कोणाची सीडी बाहेर निघते तर कोणाचं काही। आम्हा महिलांना कसं राहायचं हे अजिबात शिकवू नये। आमच्यावर संस्कार आहेत म्हणून आम्ही सावित्री बनलो, रमाबाई बनलो। या देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिराजी होत्या, पहिल्या महिला राष्ट्रपती या माझ्या जिल्ह्यातल्या आहेत। आमच्यात संस्कार आहे म्हणून अजून तुमचे थोबाड आम्ही फोडलेले नाही। आमचा संयम ह्याला आमची कमजोरी समजू नका। कुणी महिला कमजोर नसते, वेळ आली की ती दुर्गेचं रूप देखील धारण करू शकते। त्यामुळे खरे संस्कार आणि शिकवण ही जी आहे ही महिलांसोबत पुरुषांना देखील भरपूर देण्याची गरज आहे। महिलांचा मान सन्मान करण्याची शिकवण ही घरापासूनच खरं सुरू होते आणि ती आपण सुरू केली पाहिजे।